ما سره خپل الله سره وعده کړی ده او
इंशाल्लाह रहमान अल्लाह मदद करे जती मैदान ता छे पे ईमानदारे रा छे ओ पे ईमानदारे वाला खतरा के न चाहना तो के सुबूत आलम न चाहता वादे को न चाहता रिसा ता को ओ बकाया जे आजाद दे को पीठे दा मुस्लिम ने की कृष्ण पार्टी दा दादा पे सो खबर न दा पहला खपल जान तो बोला सियासत तजरूज है ना खपल को खुशाल बागे न खपल अगे न पस पे खपल खानदान खुशाल खानदान न पस पे चम गांव खुशाल चम गांव न खपल इलाका खुशाल का हाले बत दे दे तरुज दा न दा चित्ता न पको की रो खपई खो खपई रिश्तेदार का कुत्रज खपई मामा जो खपई पश्चिम गावंटा न खपई मालता न खपई तो सियासत पर कम बेस पपीसो सियासत के पपीसो सियासत निश्ता सियासत पे इखलाक पे ईमानदार है और इंशाल्लाह जता तो पाटो वाला था खास पर जो मुकाबले करे तो ईमानदार हो और इंशाल्लाह दा बजता तक है कि मा फतवा वाला रास्ता का ना जो बता जो खपल दे ईमानदार है वो तो है ताल वाला पे सूट मत है जो बता दे ईमानदार है पकाए द कंटमेंट खबर थी कंटमेंट की डर बटन मस्ती जो सीधा शौक ने नेम ना मत ने ना शौक था सियासत ताल जो पते दा मा प्लेयर पे पाते सदा वो दा मा प्लेयर ना वाला नन करे तो गुजुंग चाहता जिंदाबाद ने दी मिलो ना बवायो बोले जिंदाबाद दौर उमर से कभी मानता है अगर जिंदाबाद न हो अगर खपल आवाम खपल खलकुना दारी किस्मत की दाई दा की जिंदाबाद दौर उमर से हो और जो जिंदाबाद न रहे जब आले जिंदाबाद में जरा मा तक कैंट फर्क कर सब पल हक और इंशाल्लाह दा मा अल्लाह से वादा है जरा खपल कैंट कर सवा दे न मा अल्लाह से वादा कर जरे मैदान करा दे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कला पाव अल्लाह से डरा को ताज वाला मैं मान ले जिस ताज से सुको अगोरा देन मख के हर पार्टी रा गई द हर पार्टी को मजा आ गया ओ कम टाइम न सुगोरा पहला कम टाइम जब खबर पोषण की पार्टी को मजा आ स दगाई को आम न वाला बे मुस्लिम ने कर टीम से आवाम न सब दगाओ न बे एन पी रा उस पी टी आई रा नुजेर एंड है चुन का बाद में शेख गरीब सरी ददी गुलाम मान हमेशा हमेशा खुदा ने सुनने से जीते लगा आरा पेरे जो करा वो जिंदाबाद वो जुदा कला वो पीटी पीटीआई जिंदाबाद कला नेशनल जिंदाबाद कला भी मुस्लिम लीग से कला पीपल पार्टी से मुद्दा बजूंग हमेशा वही हमेशा बदी तुम ने पके सो होटल बस खबर वक्त में की ना तदे दादा कने ने सब हो गए पीटीआई महंगे कम देता है तक कम देता है तमारा को खर्चा 12000 13000 में मस्ती का वकीला ने सब ऐसे 25000 का मशम को ने सब बस को देखो तो को बिलू ने दी नमाशमान फिसू ने दी नमाशमान खर्ची दी द को खर्ची दी खम खादी कम कम खादी अगर मानी मकट कर नहीं मामा पाते कर बोले आप और को ले निशा खदा से खलक जू भी ना तो को खदा तो वा जे आई तो मजदूरी ने मिला भी जुमा तराशी जुमा खलक होती जुमा से इंदाद कहना मशरान दी आखिर तक पीटी वाला दा नए पाकिस्तान नया पाकिस्तान मकसद खुदा नहीं चिता सो लगा महंगाई पर महंगाई महंगाई पर महंगाई महंगाई पर महंगाई आखिर पाकिस्तान के वो गरीब सारी कुर्बानी और की इमरान खान सर तजी और रिक्वेस्ट को जिता सर पावर तू तो वजीर आजम है तक तन सब पाकिस्तान बादशाह है सर जी आप पाकिस्तान के बादशाह हो इमरान साहब आप सुनाए मेरी तरफ से आप सुनो आजकल आप पाकिस्तान के बादशाह हो आपने 3 साल से ऊपर हुकूमत किया अभी तक आपने ना शरीफ से एक रुपये भी वसूल नहीं किया आप किस तरह बादशाह हो आपके साथ पावर है आपके साथ ताकत है आपने आज तक कुछ भी नहीं किया क्यों क्या मसला है आप गरीब आदमी को तकलीफ दे रहे हो आपने खुद कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा ये नया पाकिस्तान है ये तो पुराने से भी पुराना हो गया ये जलालत हम देख रहे हैं मैंने खुद आपको वोट दिया है मैंने फैमिली ने खुद आपको वोट दिया हमने कहा आपसे तवक्कुल रखा था कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया गरीब अमल के लिए क्या किया मुझे बताओ हमारे मरदान खेंड से मैं बात करूँ मरदान खेंड से पीटीआई का जो सदर सदारत है नहीं आज नहीं एम पी एस अब्दुल सलाम साहब आप उसको कह रहे कि आपने कैंट को एक वैकेंसी दिए हुए एक वैकेंसी
एक नौकरी दी हुए, ये आपका नया पाकिस्तान है। मैं जिंदाबाद उस हुकूमत को कहूँगा कि जिसने हमारे गरीब आवाम को एक नौकरी दे दी, तो मेरे नज़र में वो जिंदाबाद है। तब मैं ये मुँह से नारा निकालूंगा कि जिंदाबाद। अगर पीटीआई होगा, पीपल पार्टी होगा, एएनपी होगा, मुस्लिम लीग होगा, तो इसके जबान से उसके लिए जिंदाबाद निकलेगा, वरना किसी के लिए भी नहीं निकलेगा। सर खान साहब, आपसे मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए ये ड्रामा बंद करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन दे दो, अगर कुछ कर सकते हो तो मैदान में निकल आओ। अगर मेरे साथ पावर होता तो मैं तुम्हें दिखा लेता कि मैं क्या कर लेता। आपके साथ पावर है, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पूरे पाकिस्तान को क्या कर पाओ। ये बातें ख़त्म कर दो, खुदा के लिए महंगाई ख़त्म कर दो। हम बड़े परेशान हैं, पर बहुत परेशान हैं, हमें नहीं सारे आवाम परेशान है। तो खान साहब, आपने दिन ब दिन, मुझे तो पता नहीं, मैं दुबई में था 2005 में, 2009 तक, जब रात को मैं सोता था, सुबह उठ जाता था तो कहते ये नया कानून बन गया। किस तरह का नया कानून? तो वो मसला आज 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में वो मसला आ गया। जब सुबह उठते हो कि चीनी महंगी हो गई, जब निकल तो आटा महंगा हो गया, जब निकल तो गैस महंगा हो गया, जब निकल तो बिजली महंगा हो गई। ये नया पाकिस्तान है आपका, ये शुरू है। मैं आपको बहन में और कब से पसंद करता हूँ खान साहब, मैं बहन में और कब से आपको पसंद करता हूँ। आपका इंटरव्यू मुझे भी अभी याद है, आपने बहन में इंतखाब आलमपुर जो इंटरव्यू दिया था वो मुझे अभी भी याद है। तो आप इतने ईमानदार आदमी हो, क्यों जुल्म कर रहे हो गरीब आदमी? या तो आपका नीचे तबका ए से लेकर जद तक सबके सब छोड़े, या आप छोड़ो। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से शर्माता हूँ। मेरे वाले साहब ने एक बात मुझे कहा कि बेटे, ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान को जीना है और एक दफ़ा मरना है। तो मैं एक दफ़ा मैंने जन्म लिया है, एक दफ़ा मैं मरूँगा। न मैं आपका गुलामी करता हूँ, न मैं किसी और को, मैं गुलामी करता अपने रब का जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। और ना मेरे अंदर कोई इस तरह बात है कि मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, नहीं, ये गलत है। खान साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गरीब आदमी आवाम को देखो, खुदा के लिए आवाम को देखो। हकीकत बात है, जिसका 15, 16, 17, 18, 20 हज़ार सैलरी है, उसमें उसका कुछ काम नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके आप कुछ करो, करेगा मेरे रब, मगर आप वसी हो गए। आज आपके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आएगा, फिर मुस्लिम लीग का आएगा, ये ड्रामा चलते रहेंगे। मैं सब पार्टियों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग नहीं मरोगे, आप लोग नहीं मरोगे। अगर आप नहीं मरोगे तो ठीक है, करो जितना जुल्म कर सकते पाकिस्तान के ऊपर करो। अगर मरोगे तो डरो अल्लाह से, ये काम छोड़ो। अपने नीचे टैक्टरों को बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो, कब तक ये फिल्म चलता रहेगा? इस टाइम मेरे उम्र है 44-45 साल। मैं जब पाकिस्तान में जब देख रहा हूँ ये सारे ड्रामे चल, जो सियासत की आ रही, ये करो वो करो। आते मेरा पैदाइश शाह मोहल्ले का, जब मैं पैदा हूँ उसी टाइम से हमारे मोहल्ले पके हुए थे, उसके बाद पके रहे पके। भाई मोहल्लों को छोड़ दो, बिल्ली को छोड़ दो, भाई गरीब आवाम को कुछ नौकरी दे दो। ये क्या चीज़ है कि बस इधर MPA साहब आ जाएगा, ये लोग आ जाएंगे, MLA साहब आ जाएगा, सर्वे कर लेंगे। उस आपके वर्कर से पूछो कि भाई आप लोगों ने क्या कारनामा किया? हाँ, ये कारनामा दिखाया कि जिस आदमी ने उसके लिए दौड़ लगाया, उसके लिए नौकरी भी है, उसके लिए सब कुछ है, और जिसने वोट डाले है उसके लिए कुछ भी, उसके लिए जलालत है, सिर्फ जलालत है। ये आपका नया पाकिस्तान है। खान साहब, मैंने जो बातें आपको बता दी तो मैंने दिल के दुख से बता दिया, ये नहीं मुंह से, अपने दिल के दुख से। और ये हर गरीब आदमी की बात है, और अगर मेरी बात आपको बुरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर अच्छे लगे तो फिर भी शुक्रिया। ANP डॉक्टर तारिक चेयरमैन साहब, अगर बात ड्यूटी नहीं पैसे बंद न कर 7 साल शाहतलाशे 2014 इलेक्शन तलाशे 2014 इलेक्शन की तासु है तासु कम कारनामा डॉक्टर तारिक सर करवा बे डॉक्टर तारिक तासु सर न आग कारनामे न सख्त कारनामा उस ब्या चिंता कम से असदान पैसे चल गई ऐसे बेईमानी हुई तासु लगा नमा पखेर को नहीं छोड़ वो इन शाह जुम्मा जुम्मा जुम
جمعه مبارک پرواز دا ودا ما رب سره وای تاسو سره نه ما رب سره چې ان شاء الله تعالی چې مال الله پاک پاور راکو نو ار سره دا زموږ هم ته پما راځي او ما ته پاسه ما راځي خو شي ولې زه په ایماندارې جیت زه په ایمانې نه وای زه په پیسو چاته نه وای زه د ایماندارې جیت کوم په ایماندارې وکړم په ایماندارۍ ستاسو خدمت کوم دا نه ساتو مې هر پاتې کسان دي کم به تر کس تاسو ته ښکاري نو تاسو بالکل هغه نه پوه نه او زه تاسو ته دارم پیس کوم پر پیسه به تاسو ټول نه وي خو عزت نه شي دا زموږ په ټینګ باندې دا او ډېر وخت دا و چې دا د پیسو خلک دي نو ټول ټینګ د پیسو نه دي چن خلک د پیسو دي نو هغه خدای ظالمانه ته زه پیس کوم تاسو څنګه هم ځان سره وسوځئ دا ولی وجه سلا او زنور تاسو ته سنم په تک یو خبره باندې تاسو ما سخه باندې چې ورګ یو چاله ما مالې مرای بالکل مالې مرای بل چاله خو په ایمان ده په اخلاص سبا ته په هغه ورځ ستا کار هو تا چې او په سولې استعمالې کنا نو بیا بچان ته په نه کوي بیا بچان نه وکړي چې زما نه کرایې نه سیوا شي زما نه ټیکسی نه سیوا شي ولې زنګ لا خپل عمل کړ الله پاکه ته وی چې ما یې دما بند ما ته ډالر درکړ یو لار ما ته دې ما دارې درکړ ځا بده تا ته مشکلات دې پریشانیا دې دی او ته خدا لا ډیر ود ډیر ود د دې ختمې دوه لار نشته بده ان کې سیدا فتح جنت بل لا دا ډیر لنډلا دې کې تا ته هر شو هر خوشالي هر څه خدا ستیم ختم شي دا نو دې بیا کوم چې تاسو تعالی الله او ګوره مې سب کسان تاسو کم عظیم کسي کم دا وای هغه تاسو ورګي حضرت خپل په خپل دې کسان ته کیسه کوم چې میرا بانیو کې تاسو خپل په تر پیسو دعوت مو چې سیاست کوي او مقابله کوي روزې مې د دې په ایمان دالې ما سره مقابله کوي زه زو بس تاسو ایمان مانه چې واکې تاسو پښتانه تاسو ایمان دار ما سره په ایماندارۍ جنگي ګرځي او ان شاء الله دا د ماده الله تعالی وټو مې ته دا تاسو ته زه کیند کو چې جیت پا د پیپل پارټي جیت پا د خانوی جیت پا زتا سو ته خیر جیت پا زتا سو ته پدې خیر چې ما د الله نه معاف سم ما الله سره تاسو اوس هم خپل نشان کې کار دی نو چې موږ غیر قانوني کار کوي ما چا نه سم نه دي کړی زه چا سم نه شوې اور خو سر تک دا یې د خپل ماته د ورګانی نه ما له هر جیت یو سر تک دا د ورګانی نه تاسو نران شي خپل د دواګان اوټ نه دواګان خو شه تاسو زندگی نو سني 50 60 70 75 اسه 90 سال دې دنیا نه بځې کنه خپل عمل کوي سي نه خپل عمل وخت په دې کې سي دا ست عمل دی اذن نو تاسو ته سم نه وي په د 12 تاریخ روز یا ساته په تو روز دا او ان شاء الله چې کو نه روزه تاسو د قسم تاسو قران چ الله ته مخکې پر داس کې تاسو ته کم به تر کس کم یو لار چې هغه تاسو ورکړي هغه تاسو ورته چاله نو دا موږ له اون دې چونې فټ تاسو موږ له چونې فټ دا ما پته نه دستا دا له اون دې چېن فټ او ما تاسو ته پیسې خبرو کې کمې پیسې چې دا به تاسو ما تو وا ما تاسو سم مشالای بیا بیا ما تاسو ته هم خالي دا تاسو ته دي دا تاسو د ځانادا ما تاسو د مشکلاري دا زه نن هم تاسو ته اړتیا لرم بیا 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 او زه هم پاتې وګورم چې سیاست نه کړم زه اوس هم تاسو ته وګورم چې بیا بیا او علیکم السلام